Hello kids, this is your mentor Neetu. We are doing Computer Book Cyber Creators by BrainRoot Class 5. So today we are doing Chapter 2, Working with Files and Folders. So let us start. So in this chapter you will learn about Windows 11. Hum kya padhenge isme? Windows 11, features of Windows 11, starting Windows, File Explorer, Context Menu, Files and Folders, and Shortcut Icon. So before we begin, draw and color the logo of Windows 11 in the space given below. आपने logo देखा होगा Windows 11 का, like four rectangles, blue and dark blue color. तो आप इसको यहाँ पे draw कर सकते हैं and color it. Now, Windows 11. Microsoft launched Windows 11 in October 2021. It provides a graphical user interface, means GUI, that makes interaction between the computer and the user easy. Hum computer ko easily use kar sakte hain with the help of Windows 11. Without it, you cannot even start a computer or work on it. बिना इसके हम कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते और उस पर वर्क भी नहीं कर सकते, राइट? सो फीचर्स ऑफ विंडोज 11, सम फीचर्स. द फर्स्ट वन इज न्यू यूजर इंटरफेस. विंडोज 11 हैज अ डिफरेंट यूजर इंटरफेस. इट इज मोर यूजर फ्रेंडली. इन दिस इंटरफेस यू कैन सेट द टास्क बार अलाइनमेंट ऑप्शन टू ईदर center or left. By default the task bar is aligned at the center. वैसे जो task bar है वो center पे aligned होती है, लेकिन आप इसमें इसको change कर सकते हैं. center पे तो है, left में भी उसको आप ला सकते हैं. Now improved performance. Windows 11 has better performance and speed than the older version. जो पुराने वर्जन है उनसे ज़्यादा इसकी स्पीड है और बेटर परफॉर्मेंस है. इट हैज़ फास्टर स्टार्टअप टाइम, जल्दी स्टार्ट हो जाता है. क्विकर स्विचिंग बिटवीन एप्स, एप्स को स्टार्ट करने में या उसको स्विच ऑफ करने में इट डजंट टेक मोर टाइम. एंड अ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्स. ओके, वर्चुअल डेस्कटॉप. विंडो 11 इंक्लूड्स द फीचर ऑफ मल्टीपल डेस्कटॉप्स टू हेल्प कीप योर वर्क ऑर्गेनाइज्ड. तो इसमें हम मल्टीपल डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं. एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट. विंडोज 11 अलाउ यूजर्स टू रन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ऑन देयर विंडो कंप्यूटर. हम इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं. नाउ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटीग्रेशन. विंडो 11 इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, मेकिंग इट ईजियर टू स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स. इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है जिससे हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं. इम्प्रूव सिक्योरिटी. विंडोज 11 इंक्लूड्स एनहांस सिक्योरिटी फीचर्स सच एज विंडोज हेलो, विच लेट्स यू यूज योर फेस, फिंगरप्रिंट और पिन टू साइन इन टू योर पीसी, and Microsoft Defender which helps to protect your PC against malware and other threat. ये जो है इसमें जो security है, हमारा जो PC है, हमारा जो computer है या laptop है, that is more secure. हम अपना कोई password use कर सकते हैं, कोई pin लगा सकते हैं, अपना face use कर सकते हैं, fingerprint use कर सकते हैं, कि जैसे हमने ही उसको use करना है कि nobody अदर पर्सन जो है उसको यूज ना कर पाए. ओके, सो एक्स्ट्रा बाइट. स्नैप लेआउट एंड स्नैप ग्रुप्स. दिस फीचर यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली सजेस्ट लेआउट फॉर मल्टीपल विंडोज, मेकिंग इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज एंड स्विच बिटवीन देम. इनकी हेल्प से हम उसको, जो भी हमारा वर्क है उसको हम ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज स्टार्टिंग विंडोज. अब विंडोज स्टार्ट कैसे करना है हमें. द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स
loading into the computer's memory when you switch on your computer. Once the process gets completed, you will be presented with the Windows 11 lock screen. Once you have unlocked your computer, the main screen appears on the monitor, which is known as the desktop. हमारे पास screen आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? This is the desktop. It contains icons that are small graphical images or symbols representing files or programs. यहाँ पे साइड में हमारे पास ये क्या है? Icons हैं, graphical क्या है? ये images हैं या फिर क्या है? Symbols हैं जो files और programs को represent कर रहे हैं. जिसमें आप देख जैसे this PC is given, Microsoft Edge is given here, Office Map is given, Chat Opt is given, HP given, Recycle Bin is given, here Map is given, Google Chrome. So many icons are there. So what are the icons? These are the small graphical images or symbols representing files or programs. Now extra byte. You can unlock your computer by either typing in your password or using biometric authentication if your computer supports it. Okay, so here you have seen, this is the desktop. यहाँ पे क्या है हमारे पास? Icons हैं. यहाँ पर जो ये आपको दे रखा है, Windows 11 का logo is given. That is the start button. और यहाँ पे हमारे पास क्या है? Search bar है. और ये जो है सर्च बटन, आप इसको कह सकते हैं. यहाँ पे आप कुछ भी जो आपने सर्च करना है टाइप कर सकते हैं. और दिस इज द टास्क बार, ओके. एंड दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे हमें टाइम और डेट के बारे में पता चलता है. दैट इज द नोटिफिकेशन एरिया. आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, जब आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, विंडो स्क्रीन पे कैसे आएगा? जो मेन स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. जो हमारे पास साइड में ये ग्राफिकल इमेजेस हैं, स्मॉल पिक्चर्स कह सकते हैं आप, ये क्या है हमारे पास? आइकन्स हैं जो डिफरेंट फाइल्स और प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नीचे हमारे पास यहाँ पे विंडो 11 का लोगो है, इसको हम प्रेस करेंगे, मीन्स दिस इज द स्टार्ट बटन. और फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे रेक्टेंगल सा, रेक्टेंगल भी नहीं कह सकते, लाइक सिलेंडर, उसमें ये क्या है? सर्च बटन, ऐसे शेप दे रखिए, ऐसे, ओके. दिस इज द सर्च बटन. यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, जो भी आपने सर्च करना है. देन दिस इज द टास्क बार. और यहाँ पे दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया, यानी टाइम एंड डेट यू विल गेट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन. अब हम बात करते हैं स्टार्ट बटन की, जो मैंने आपको बताया था विंडो 11 के लोगों के साथ. द स्टार्ट बटन इन विंडो 11 इज सेंटर्ड ऑन द टास्क बार एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट ओपन्स द न्यू स्टार्ट मेन्यू. इट इज द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द विंडोज डेस्कटॉप. ओके, सो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू लाइक दिस. So start menu, Windows 11 has made significant changes to the start menu. It is now more streamlined, visually appealing, देखने में भी अच्छी लग रही है, and customizable. The start menu is divided into two sections. Start menu के भी दो section हैं. The one is pinned and the other is recommended section. आप देख सकते हैं इसमें ऊपर वाला जो आपके पास है दैट इज पिंड, और जो नीचे है दैट इज रिकमेंडेड. ओके, पिंड में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज शो कर रहा है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोज हैं, सेटिंग्स है, सो मैनी. और ऐसे ही नीचे रिकमेंडेड में व्हाट्सएप है, असेस है, लाइक चैप्टर जो भी हम डालते हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड आउटलुक लाइक दिस. ओके, so the recommended section displays suggested apps, documents and websites based on your usage pattern. जो भी आप यूज करना चाहते हैं उस पे बेस करता है ये recommended. Okay, and the pinned section displays the apps you have pinned to the start menu. ये already इसमें है.
And the Windows 11 Start menu does not display all the apps by default. Instead, it shows apps pinned to the Start menu, newly installed apps and recently opened files. If you wish to view all the installed apps, you need to click on the All Apps button located in the Pinned Apps section of the Start menu as shown in the figure given alongside. इसमें सारी apps दिखाना that is not possible. अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक button है All Apps सबसे ऊपर Pinned के साथ यहाँ पे All Apps करके है. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे विजिबल हो जाएंगी. ओके, रिकमेंडेड में जो भी आपने यूज़ करना है आपके यूसेज के अकॉर्डिंग है और पिन में सारे ही ऐप्स हैं, राइट? ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ विंडो 11 हैज़ मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द स्टार्ट मेन्यू. इट इज़ नाउ मोर स्ट्रीमलाइन, विजुअली अपीलिंग एंड कस्टमाइजेबल. द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन. The one is pinned and the other is recommended. ऊपर सारा pinned है और नीचे क्या है? Recommended. Okay? File Explorer is an application that displays detailed information about files, folders and drives. जैसे हम explore करते हैं किसी चीज को, ऐसे ही File Explorer है जो files को, folders को, उसकी detailed information को explore करता है. It enables you to assess, edit, manage and organize the files and folders in your system. हम अपने system में files and folders को organize कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, edit कर सकते हैं. You can use it to view, create, delete, copy, move, rename and search files and folders. कुछ भी हमें करना है उसको में, कुछ व्यू करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, वॉट एवर, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू इट. नाउ ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर, कैसे ओपन करना है? टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर फॉलो दी स्टेप्स. किस स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. पहले हमें क्या करना है? स्टार्ट बटन पे क्लिक. देन टाइप फाइल एक्सप्लोरर इन द सर्च बार. तो सर्च बार आपके पास आ जाएगा जिस पे आप क्या टाइप कर देंगे? फाइल एक्सप्लोरर. एंड क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन और प्रेस विंडोज की प्लस ई. ओके, जब आपने उसको ओपन करना है आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और फिर आपने टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर, किसमें? सर्च बार में. ठीक है, जैसे ये सर्च है, सर्च होम है, ये सर्च बार है, आप इसमें टाइप कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर, राइट? वंस यू हैव ओपन फाइल एक्सप्लोरर यू विल सी अ विंडो विद सेवरल ऑप्शन. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो कंटेन्स अ नेविगेशन पेन वेयर यू कैन क्विकली असेस कॉमन फोल्डर्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स एटसेट्रा. द मेन विंडो डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर और ड्राइव. यू कैन यूज द टूल बार टू परफॉर्म एक्शंस like creating a new folder, copying, moving, renaming, deleting files or changing the view. Okay, now viewing contents. To view the content of any file or folder, simply double click on it. आपके पास क्या होगा? जब आपने file explorer को open किया तो आपके पास जो main window में है वो तो डिस्प्ले करेगा जो आपने सेलेक्ट किया फोल्डर या फाइल या ड्राइव, जो भी सिलेक्ट किया वो मेन विंडो में आ जाएगा. लेकिन साइड में आपको सारे के सारे जितने भी ड्राइव हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो सब के सब आपको दिखाई देंगे. अब व्यूइंग कंटेंट. टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल और फोल्डर सिंपली डबल क्लिक ऑन इट. आपने जिसको भी व्यू करना है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे. यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स बाय यूजिंग द व्यू टैब. अगर आपने फाइल और फोल्डर का लेआउट चेंज करना है तो आपने कौन सा टैब यूज करना है? व्यू टैब. ओके, नाउ यूजिंग दिस पीसी ऑप्शन. This PC option is given. इसको हम कैसे यूज करेंगे? This PC option is visible in the left pane of the File Explorer window. It shows all the drives of the entire computer like C drive, D drive, C
CD, DVD drive or any other external storage media such as a pen drive. This PC पे क्लिक करने पे, जैसे यहाँ पे this PC पे क्लिक करने पे आपके पास सारे की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या इसमें ड्राइव्स यूज हो रहे हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी है, जैसे लोकल डिस्क सी है, लोकल डिस्क डी है या पेन ड्राइव है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, सो टू असेस दिस पीसी ऑप्शन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, टाइप फाइल एक्सप्लोरर इन द सर्च बार, इन द लेफ्ट हैंड मेन्यू क्लिक ऑन द दिस पीसी ऑप्शन. फाइल एक्सप्लोरर टाइप करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड में दिस पीसी आएगा, उसको आपने फिर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा. दिस विल डिस्प्ले ऑल द नेम्स ऑफ द ड्राइव्स ऑफ योर कंप्यूटर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. पहले आपने स्टार्ट करना है, फिर आपने फाइल एक्सप्लोरर टाइप किया, उसके बाद आपने देखा दिस पीसी आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे और इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन विंडो पे सारे का सारा जो भी इसमें ड्राइव्स हैं या एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे पेन ड्राइव हो गया, कुछ भी है, इट विल अपेयर ऑन द मेन विंडो. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स व्हिच इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. दिस मेन्यू प्रोवाइड्स एडिशनल फंक्शनैलिटी बाय ऑफरिंग यू एक्शन दैट यू कैन टेक विद द आइटम. राइट क्लिकिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेज डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स. द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टकट मेन्यू. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को हम शॉर्टकट मेन्यू भी कहते हैं. तो इससे आपके पास डिफरेंट एरियाज, राइट क्लिकिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स, इससे हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स आ जाएंगी. सो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू भी. सो लेट्स सी, राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. When you right click on the blank area of the desktop, you will find a menu with a list of options. Select the personalized option from the list. Using it, you can change the background, colors, theme, lock screen, fonts, taskbar, etc. जब आप right click करेंगे desktop के blank area पे, तो आपके पास आ जाएंगे ऐसे ऑप्शंस. ओके, तो इसमें आपके पास एक आएगा पर्सनलाइज ऑप्शन, मींस पर्सनल जो आपको अच्छा लगता है, वॉट एवर यू कैन डू, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, कलर्स, थीम्स, लॉक स्क्रीन, फॉन्ट्स, टास्क बार, एटसेट्रा. ओके, राइट क्लिकिंग ऑन एन आइकन. व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विल अपेयर विद ऑप्शन सच एज ओपन, कट, copy, paste, delete, rename, properties, etc. In addition, some icons may have additional options depending on the application or program associated with it. जब आप किसी icon पे right click करेंगे तो उसमें आपके पास option आ जाएंगी open, cut, copy, paste, delete, rename, properties. Okay? और कुछ आपने इन एडिशन सम आइकन्स में हैव एडिशनल ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन और प्रोग्राम एसोसिएटेड विद इट. कुछ आइकन्स के अपने डिफरेंट एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग है, जो भी हमें यूज करना है वी कैन सेलेक्ट इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फाइल्स एंड फोल्डर्स. अभी हमने फाइल एक्सप्लोरर की बात की थी, जो फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सप्लोर करता है. अब हम बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स होते क्या हैं. फाइल्स एंड फोल्डर्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 11 व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर. जैसे हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी डिटेल, उसके डायग्राम, वॉट एवर, दैट इज अ फाइल. ऐसे ही कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं,
These are essential components of Windows 11 which are used to store, organize and manage data and information on a computer. You can create, edit and delete files, also create, manage and delete folders. So files. A file is a collection of related information stored together on a device. It can be of different types, including documents, images, videos, music and executable files. Each file is given a file name which later helps you to find it whenever required. जब भी हम एक फाइल बनाएंगे हम उसका एक नेम रख देते हैं, जब भी हमें उसको यूज करना है देन वी कैन यूज इट लेटर ऑन. ओके, फोल्डर्स. अ फोल्डर इज अ कंटेनर दैट कैन होल्ड मल्टीपल फाइल्स एंड सब फोल्डर्स. फोल्डर्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर, मेकिंग इट ईजियर टू लोकेट एंड असेस देम व्हेन नीडेड. फोल्डर है हम फाइल्स के लिए, जितनी भी मल्टीपल फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए वी यूज फोल्डर्स. ओके, विंडो 11 इंक्लूड्स सेवरल डिफॉल्ट फोल्डर्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, डाउनलोड्स, वीडियोज एटसेट्रा. ये ऑलरेडी इसमें हैं. दे आर डिजाइन टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स. दीज फोल्डर्स कैन बी कस्टमाइज एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू फोल्डर्स टू सूट योर नीड्स. हम अपने फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. सो वन एक्स्ट्रा बाइट इज गिवन ओवर हियर. अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल. द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हेयर वी आर यूजिंग वर्ड. टाइप सम टेक्स्ट इन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट. नंबर वन, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क सेव योर फाइल बाय यूजिंग फाइल टैब सेव एज ऑप्शन. आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सेव एज है, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, देन क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन. सेव एज पे क्लिक करने पे ये ऐसे आ जाएगा और नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगी, तो इसमें ब्राउज है, इस पे आप क्लिक कर देंगे. ओके, एंड हियर दे आर शोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड डेस्कटॉप. नाउ द थर्ड वन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन. सेलेक्ट द लोकेशन एंड टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. जब हम सेव एज हमने क्लिक किया तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा और इसमें फाइल नेम हमें जो भी देना है उसको हम टाइप कर देंगे. देन क्लिक ऑन द सेव बटन. फिर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे. द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड विद द स्पेसिफाइड फाइल नेम. जैसे यहाँ पर है अमित पब्लिकेशन बुक 5. ओके, तो आप देख सकते हैं आपके पास बुक 5 इज गिवन ओवर हेयर और यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएंगी. राइट, सो लाइक दिस यू कैन डू. नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फोल्डर. द फर्स्ट वन, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप और एनी अदर फोल्डर. एंड द सेकेंड वन, द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स. प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन. अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर्स which is called the cascading menu. आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक किया ब्लैंक एरिया पे डेस्कटॉप के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगी. यू कैन सी ओवर हियर इट इज कमिंग लाइक दिस. हियर इट इज फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट असेस, डेटाबेस, इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. सो लाइक दिस. राइट, देन नाउ क्लिक ऑन द फोल्डर. ये जो फोल्डर ऑप्शन है इस पे हम करेंगे क्लिक एंड देन अ न्यू फोल्डर आइकन विल बी डिस्प्लेड विद इट्स डिफॉल्ट नेम दैट इज न्यू फोल्डर. टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की. तो आपके पास एक न्यू फोल्डर करके बाय डिफॉल्ट इट इज कमिंग और जो भी हमें नेम टाइप करना है, कुछ चेंज करना है, वी कैन चेंज इट एंड देन प्रेस द एंटर की. ओके, यहाँ पे फोल्डर पे आपको प्रेस करना है. फाइन,
So now the next is opening a file folder. To open a file or folder, simply move the mouse pointer to the particular file or folder and double click on it. अब हमें कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो उस पर हमें डबल क्लिक करना है. द फाइल और फोल्डर विल ओपन एंड यू कैन व्यू इट्स कंटेंट, राइट. एंड वन हॉट टिप इज गिवन, प्रेस शिफ्ट प्लस डेल टू डिलीट फाइल और फोल्डर्स परमानेंटली. ओके, नाउ रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर. रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ अ फाइल और फोल्डर विद द न्यू नेम. टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप्स. आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ओपन है, पिन टू क्विक एसेस, पिन टू स्टार्ट, कॉम्प्रेस टू जिप फाइल. सो देर आर सो मैनी ऑप्शन. सो स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल फोल्डर एंड क्लिक ऑन द शो मोर ऑप्शन. आपने पहले फाइल या फोल्डर पे क्लिक करना है, फिर आपके पास ये सबसे नीचे आ रहा है शो मोर ऑप्शंस. ओके, इस पे क्लिक करना है. फाइन, देन सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, रीनेम करके एक ऑप्शन आ जाएगी, दिस वन हियर, रीनेम. इसको सेलेक्ट करना है. देन द फाइल एंड फोल्डर नेम विल बी हाईलाइटेड. Now type the new name that you wish to give to the file or folder and press the enter key. जिस भी फाइल या फोल्डर को आपको चेंज करना है वो हाईलाइट हो जाएगा, उसका नेम चेंज कर दो एंड देन प्रेस द एंटर की. सो हॉट टिप, यूज F2 की एज शॉर्टकट टू रीनेम अ फोल्डर और फाइल. वेन यू सेलेक्ट अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर, प्रेसिंग F2 अलाउज यू टू क्विकली रीनेम it, right. Now shortcut icon. A shortcut icon provides an easy and quick method to open any application or software that you use frequently. There is a small jump arrow present at the lower left corner of the shortcut icon. Double clicking on the shortcut icon opens the file or program that it represents. So let's see creating a shortcut icon. Number one, right click on the desktop and select new from the context menu. Then the second, select shortcut from the sub menu. पहले आप new select करेंगे और फिर आप shortcut select करेंगे. Okay, then enter the location of the file or program for which you want to create a shortcut in the type the location of the item text box of the create shortcut window or browse by clicking on the browse button. Then click next and give the shortcut a name and then click finish to create the shortcut. See here, it is given create shortcut. What item would you like to create a shortcut for? Okay, तो जो भी आपने करना है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे वो आइटम कहाँ पर है उसकी लोकेशन को, फिर ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, क्रिएट शॉर्टकट. What item would you like to create a shortcut for? Okay, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, राइट. Then click next to continue and then click finish to create the shortcut, right. So I hope it's clear to you. Jab aap isko practically karenge, it would be more clear to you. So now computer manner, always keep a mouse on the mouse pad. It moves smoothly on a flat surface so you can draw easily. Now let us rewind. Windows 11 makes interaction between the computer and user easy. The main screen that appears on the monitor is known as the desktop. Icons are the small graphical images or symbols representing folders, files or programs. The start menu is divided into two sections, the recommended and the pinned section. File Explorer is an application that displays detailed information about files and folders. The context menu is also called the
shortcut menu. Files and folders are used to store, organize and manage data and information on a computer. Rename means to change the existing name of a file or folder. I hope it's clear to you. Go through this chapter. If any problem, then we can discuss it. Okay, practically jitna aap karenge, it would be more clear to you. So now come to the exercise. Check yourself. A part, take the correct option. The first one, dash or the small symbols representing files or programs. So answer is A, icons. The second one, the dash section displays the apps you have pinned to start menu. That is pinned. The third one, you can change the layout of the files and folders by using which tab? View tab. The fourth one, select the dash option from the shortcut menu to change the desktop background. That is new. Okay, so now the next is B, filling the blanks. The first one, the main screen that appears on the monitor is known as the desktop. Okay, next, second, dash is an application that displays detailed information about files and folders. Which application? That is File Explorer. Okay, इससे हमें files और folders के बारे में पता चलता है. The third one, a dash is a collection of related information stored together on a device. That is file. Then the fourth one, dash is the default folder in Windows 11. That is Microsoft Teams. Okay, so now we are doing true and false. C part, the first one, Windows 11 includes the feature of multiple desktops to keep your work organized. Yes, true. The start button is present on the left side on the taskbar. This is also true. The third one, Windows 11 includes integrated support for Microsoft Teams. Yes, it is also true. And shortcut key to open File Explorer is F3. No, this is false. Now answer these questions. Explain any two feature of Windows 11. Windows 11 jo ab version hai, this is more useful for users, more user friendly, or it is safer, safety point of view se bhi it is very good. Aur isme Microsoft Teams bhi hai, jisse hum kya kar sakte hain, apne loved ones ke sath connect kar sakte hain. So it is more safer, and Microsoft Teams bhi hai, so it is very useful. And जो इसकी जो स्पीड है पहले वर्जन से ज़्यादा है. एंड देर आर सो मेनी फीचर्स यू कैन राइट अबाउट दैट वन. नाउ द सेकेंड वन, वॉट इज अ शॉर्टकट आइकन. दिस इज एन ईजी मेथड टू ओपन एनी फाइल और प्रोग्राम विद अ शॉर्ट टाइम. आप फटाफट अपनी कोई भी फाइल प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट आइकन की हेल्प से उसको ईजिली असेस कर सकते हैं. नाउ डिफाइन फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर क्या है? इट्स अ एप्लीकेशन दैट डिस्प्लेज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स. इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में क्या फाइल्स हैं, क्या फोल्डर्स हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर. फाइल और फोल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है? फाइल क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर ऑन अ डिवाइस. इट इज़ अ टेक्स्ट टाइप, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, ऑडियो में, वीडियो में. ओके, और जो फोल्डर है, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स. फोल्डर जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है फाइल्स को एंड सब फोल्डर्स को. So you can do this one on your own. So I hope it's clear to you. Thank you for watching this video. Aur jo bhi aapki problems hain, we can discuss it later on. So you can do this one on your own. So I hope it's clear to you. You can go through this chapter. Any problem, we can discuss it later on. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.